न्यायालय द्वारा फर्जी पदोन्नति में इस्तेमाल किए दस्तावेज मामले में एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक न्यायालय द्वारा थाने पर धोखाधड़ी सहित कूट रचित फर्जी दस्तावेज की धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया था। कुछ दिनों पहले ही लसुड़िया थाने में महिला द्वारा मारपीट और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायालय से उस प्रकरण के संबंध में तैयार कर खुद को निर्दोष होने के दस्तावेज बनाकर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने पदोन्नति ली थी। देर रात एमजी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया। सर कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? जल्दी बताओ। देखिए 27 जून को जिला न्यायालय इंदौर की तरफ से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय सिंह रावत जी के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था थाना एमजी रोड में कि कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा न्यायालय निर्णय की फर्जी प्रति तैयार की गई है इस संबंध में, और इस आवेदन पे जो है असल अपराध कायम किया गया एमजी रोड में, और ये 420, 467, 468, 471, 120B इन धाराओं में मुकदमा कायम था। इसके बाद उसमें विवेचना प्रारंभ की गई और इसमें जो है मुख्य मामला ये था कि संतोष वर्मा जो आईएएस हैं और अभी वर्तमान में नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं, इनके द्वारा जब इनका आईएएस अवार्ड होने वाला था उस समय जो है न्यायालय निर्णय की प्रति एक फर्जी प्रति कुछ लोगों ने तैयार की थी और उसका इनके द्वारा उपयोग किया गया। कल इन्हें पूछताछ के लिए बुलवाया गया था। प्रारंभिक तौर पे जो साक्ष्य पुलिस के पास आए, साक्ष्य यह थे कि जिस तारीख को न्यायालय निर्णय की प्रति इन्होंने लगाई है उस तारीख को न्यायाधीश छुट्टी पर थे। तो प्राथमिक तौर पर जो है साक्ष्य पुलिस को मिले कि इनके द्वारा गड़बड़ की गई है और इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। आज हम इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और पुलिस रिमांड की मांग करेंगे ताकि जो उसमें हस्ताक्षर हैं उनकी मिलान की जा सके और फिर आगे जो साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।